स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स एन सी आर टी का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। इससे पहले के पार्ट में फोर्थ पार्ट तक एक वीडियो में गिवेन है, वहां से आप देख सकते हैं। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। इसमें बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फुलफिल करने के लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ता है। एक इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें इस कंडीशन को क्या होता है फुलफिल करना होता है। इस फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को जो ऊपर फॉर्म में गिवेन है इस फॉर्म में लेकर आना है। तो आप देखिए कैसे लेकर आते हैं, 2x-1 और x-3, 2x-1 x-3 इज इक्वल टू में x+5 और x-1। इनका क्या करना है प्रोडक्ट करना है, 2x into x 2x² माइनस 3 into 2 6x माइनस एक्स माइनस 1 into -3 प्लस 3 जो कि इक्वल आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, x into x 2 माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2x² माइनस 6x और माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू में x² माइनस माइनस 5x प्लस में 5x। तो क्या आएगा 4x आएगा माइनस 5। और अब 2x² इधर है एंड x² इधर है, तो x² को हम क्या लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, 2x² माइनस x² माइनस 7x माइनस 4x। ऐसे ही हम माइनस 5 को भी इधर लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस का 3 प्लस 5 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। तो 2x² में से x² जाएगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा माइनस 7x और माइनस का 4x माइनस का 11x हो जाएगा प्लस 8। अब आप देखिए क्या ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, तो बिल्कुल है। ए एक्स स्क्वायर यहाँ से हम इसको कंपेयर कर लेंगे, 1 × x² प्लस में बी एक्स, बी की जगह पर हमारा 11 आ रहा है प्लस सी, सी क्या है हमारा कांस्टेंट है यहाँ पर, वो क्या गिवन है 8। तो ये हमारी फॉलो कर रही है अबव इक्वेशन को, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स पार्ट। अब इसमें भी हमें ऐसे ही अबव पार्ट की तरह इक्वेशन को फॉलो कराना है, मतलब कि जो इक्वेशन की फॉर्म दे रखी है उस फॉर्म में लेकर आना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां लिख देता हूं वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर भी वही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू में, यहां पर होल स्क्वायर गिवन है तो इसको हम क्या कर देंगे ओपन कर देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 × x × 2 तो क्या हो जाएगा माइनस 4x। अब x² और x² क्या हो रहा है हमारा कैंसिल आउट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर। अब 3x और ये क्या हो गया हमारा इधर माइनस 4x। अब माइनस 4x को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो क्या होगा, देखिए 3x माइनस 4x है इसको हम इधर लेकर आएंगे प्लस 4x प्लस 1 माइनस यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस 4 जो कि राइट हैंड साइड पर क्या था पॉजिटिव था इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, 3x प्लस 4x क्या होगा 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
हैंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वेशन यहां पर होता है इसका क्वेश्चन नंबर वन का सिक्स पार्ट कंप्लीट. अब हम देखेंगे सेवन पार्ट. यहां पर भी हमें ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह क्या करना है, फुलफिल करनी है कंडीशन को जो भी हमें फॉर्म दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये वाली फॉर्म जो है जीरो के इक्वल होती है, जहां पर ए जो है इक्वल टू नहीं होता जीरो के. तो आप देखिए कैसे करेंगे, एक्स प्लस टू का होल क्यूब. अब ए प्लस बी का होल क्यूब आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा होगा, मैंने कई सारे वीडियोस में बता रखा है, जो कि होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में थ्री ए बी, फिर ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी. तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस में बी क्यूब मतलब कि टू का क्यूब प्लस में थ्री ए बी थ्री एक्स और फिर टू थ्री इंटू एक्स इंटू टू, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा ए प्लस बी मतलब कि एक्स प्लस टू. इज इक्वल टू में ऐसे राइट हैंड साइड में भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. टू एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो टू एक्स क्यूब बनेगा, एंड टू एक्स का माइनस के वन में करेंगे तो माइनस का टू एक्स हो जाएगा. तो एक्स क्यूब प्लस में टू का क्यूब क्या होगा एट, प्लस में थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स इंटू टू सिक्स एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट में एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस में टू एक्स. अब देखिए क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस में एट प्लस में सिक्स एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस में सिक्स एक्स इंटू टू हो जाएगा. सिक्स एक्स का इन दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब इक्वल टू में टू एक्स क्यूब माइनस में टू एक्स, ये एग्जैक्ट ऐसे ही रहेगा. अब देखिए क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस में एट प्लस में सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में टू इंटू सिक्स ट्वेल्व एक्स इक्वल टू में टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स. अब इधर टू एक्स है, टू एक्स क्यूब है, एंड इधर एक्स क्यूब है. अगर हम इस वाले टू एक्स क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस नहीं माइनस टू एक्स को हम इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, प्लस टू एक्स, जो कि किसके इक्वल होगा जीरो के. अब देखिए क्या होगा यहाँ पर अगले स्टेप में, माइनस एक्स क्यूब प्लस में एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्टीन एक्स इक्वल टू जीरो. अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस एक्स क्यूब है, अब हम इसको अरेंज कर लेंगे क्यूबिकल एंड फिर क्वाड्रेटिक एंड फिर लीनियर फॉर्म में एंड फिर कॉन्स्टेंट. तो माइनस एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो. अब ये वाली फॉर्म क्या, अब फॉर्म की तरह जो मैंने गिवन कर रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको फॉलो कर रही है, तो बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर पहली टर्म जो है क्यूबिकल फॉर्म आ रही है और लेकिन हमें तो चाहिए क्वाड्रेटिक. तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हैंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहां पर ये पार्ट कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर वन के ऑल पार्ट्स जो है वो होने वाले हैं, बस एक पार्ट और बच रहा है जो कि अभी हम करने वाले हैं उसको. अब चलिए देखते हैं एट पार्ट, एक्स क्यूब माइनस में फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू में एक्स माइनस टू का होल क्यूब. अब हमें इस पार्ट में भी क्या करना है, यही फॉर्म जो है इस फॉर्म में हमें लेकर आना है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में जीरो, जो हमें ऊपर फॉर्म दे रखी है उसको इस फॉर्म में हमें लेकर आना है. अगर ये इस फॉर्म में आ रही है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है.
यहाँ पर ए जो है जीरो के इक्वल नहीं होता, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, अदरवाइज मार्क्स जो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू में, अब यहाँ पर क्या लगा है, ए माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज होते हैं, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ इसका, तो आप उसको ज़रूर लर्न करें क्योंकि हर जगह ये जो है यूज़ होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर इसको फॉर्मूले को जो है लगाइए, ए क्यूब मतलब कि एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब कि टू का क्यूब क्या होगा एट माइनस थ्री ए क्या है हमारे पास एक्स, फिर उसका मल्टीप्लाई टू में ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब कि एक्स माइनस टू। अब देखिए क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस में एट माइनस थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स इंटू टू, तो सिक्स एक्स हो गया माइनस सिक्स एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस टू। तो अब देखिए एक्स क्यूब माइनस में फोर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में वन इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस में एट माइनस में सिक्स एक्स का एक्स में करेंगे तो सिक्स एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का सिक्स एक्स इंटू माइनस का टू तो प्लस का क्या हो जाएगा ट्वेल्व एक्स, तो माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस में ट्वेल्व एक्स हो गया। अब एक्स क्यूब माइनस में फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में वन इक्वल टू में क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस में ट्वेल्व एक्स माइनस एट। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, अब माइनस का फोर एक्स स्क्वायर इधर है एंड माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर इधर है, तो इसको हम एल एच एस में लिखा रहेंगे तो क्या बचेगा टू एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स इधर है एंड प्लस का ट्वेल्व एक्स है इधर, तो इसको भी हम एल एच एस में लिखा रहेंगे तो माइनस का थर्टीन एक्स, माइनस का एट है इसको भी हम एल एच एस में लिखा रहेंगे और वन के साथ ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा प्लस का वन प्लस एट तो वो बन जाएगा नाइन इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको चेक करना होगा क्या ये इस वाले फॉर्म को फॉलो कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर मतलब कि टू इंटू एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर ए क्या हो गया टू, बी एक्स थर्टीन इंटू एक्स, बी क्या हो गया थर्टीन प्लस सी, सी क्या हो गया नाइन, तो ये हमारी अबव फॉर्म को जो ऊपर गिवन है उसको क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, तो हम ये लिख देंगे यहाँ पर हैंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर इसके ऑल पार्ट कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन नंबर वन के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।